एक्चुअल बात ये है कि एमल के पास उसका शोहर भी है, लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं ना यहाँ पर एनी को, वो एमल को नहीं नसीब। मतलब कि ड्रामा सीरियल में डायरेक्टली हमें जेलसी देखने में मिलती है कि भाई यहाँ पर एनी जो है वो बेवा भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना उसका मतलब कि अफान उसको इस कदर प्रोटेक्ट करता है कि भाई यहाँ पर एमल का शोहर भी उसको उस कदर प्रोटेक्ट नहीं करता, इस वजह से वो काफ़ी हद तक जेलस है। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर सास ने भी भाई उसको एक बात कही हुई है कि भाई अगर यहाँ से एनी की हरकतें नहीं बाज आई, अगर एनी ना रुक सकी, अच्छी ना बन सकी, तो तुम भी इस घर से चले जाओगे। उसको इस चीज़ का भी डर है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बैड बिहेवियर शो करती है। लेकिन हमें ड्रामा सीरियल में बहुत जल्द दिखाया जाएगा कि यहाँ पर एमल जो है उसका बिहेवियर लास्ट एपिसोड तक जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो अपनी बहन से माफ़ी मांगेगी। हम ड्रामा सीरियल में एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर अफान जो है ना उसको दिन ब दिन जो है ना एनी से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। मतलब कि वो हर टाइम चाहता है कि